सब्सक्राइब कीजिए अमीना बुटीक चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपको सीडो में सिखाऊंगा बोर्ड नेक गले में पोटली की मदद से और एंकर के धागे की मदद से बहुत खूबसूरत डिजाइन। तो ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। और ये हमारी अमीना बुटीक की एप्लीकेशन है, आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल भी कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है, ठीक है। आपको मैं फ्रंट में डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इंची टेप की मदद से आप यहाँ पर 1.25 इंच पर निशान लगा लें और इस निशान को यहाँ तक आपको इस तरीके से निशान लगाना है। ये देखिए, आपको ये इस तरीके से निशान लगाना है और इसे कटिंग करेंगे। और दोस्तों, इसमें हम बनाएंगे बोट नेक, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बोट नेक बनाना है। तो आप पहले इसे कटिंग कर लें, फिर मैं आपको बाकी प्रोसेस बताता हूँ। तो देखिए, आप इसे इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसे हम हटा देते हैं। और हटाने का दोस्तों, बिल्कुल सेम कपड़ा लेंगे हम। और कपड़ा लेने के बाद आप इसे इस तरीके से देखिए मोड़ें। और मोड़ने के बाद आप देखेंगे कि ये वाला हिस्सा आपका यहाँ पर आ जाए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल ओके आ रहा है। तो पहले हम इसे प्रेस से अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं, फिर इसे इसी तरीके से बिछाएंगे। तो चलिए, प्रेस से इसे क्रीज बना के इसे साफ़ कर लें। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपका यहाँ पे हमने साफ़ करके क्रीज बना ली है। अब आप अपने कपड़े को इस तरीके से जो कटिंग करा है, ऊपर वाला हिस्सा, आप उसे इस तरीके से मिला के रखेंगे एक बराबर। और दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, इंची टेप की मदद से, ध्यान रखें इंची टेप की मदद से 1.25 इंच पे इस तरीके से निशान लगाते हुए यहाँ तक आना है। तो दोस्तों, ये जो निशान आपने लगाया था, इस पर आप कटिंग कर लें पहले। तो ये देखिए, आपका यहाँ पे एक बराबर कटिंग हो चुका है। उसके बाद दोस्तों, आप इसे कटिंग करेंगे एक बराबर नीचे तक। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका कटिंग हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आप कट लगा लें अपने ब्रॉड के हिसाब से, और एक कट आप यहाँ पे लगा लें, ये आपका सेंटर के हिसाब से है। ऊपर वाला जो मेन हिस्सा होगा, इसे हम अलग हटा लेते हैं अभी। और दोस्तों, हमारा जो ये वाला हिस्सा है, इसके हमें ये वाला हिस्सा हमारा सीधा है। आप इसे ऐसे करके इस पर पेपर पेस्टिंग चिपका लें, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पेपर पेस्टिंग इसे चिपका लिए है। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल एक बराबर कपड़े के जो बराबर से आप इस पेपर पेस्टिंग को कटिंग कर लें। तो दोस्तों, ये देखिए, हमने एक बराबर से इसे कटिंग कर लिया है। अब आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से देखिए, कहीं भी आप ले जा सकते हैं, चाहे आप इधर ले जाएँ चाहे इधर ले जाएँ। तो देखिए, मैं यहाँ से इसको इस तरीके से रखता हूँ और इसे हल्का सा इस तरीके से निशान लगा लेता हूँ। तो आप देख पाएंगे, ये हमारा एक निशान यहाँ पे इस तरीके से लग चुका है। दोस्तों, ये निशान लगने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से नापना है ये आपका कितना है। तो ये आपका आधा इंच है, यहाँ पर भी आप आधा इंच का निशान ऐसे लगाएं। और दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला हिस्सा आपका कहाँ पर आ रहा है। तो देखिए, उसका सही से पता लगाने के लिए आप इसे एक बराबर करें। और देखिए, आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप हल्का सा कट लगा लें, जिससे आपको पता रहेगा कि ये आपका इस जगह पे है। तो ये देखिए, हल्का सा मैंने यहाँ पे कट लगा लिया। तो दोस्तों, ये कट लगने के बाद अब आपको क्या करना है, ऊपर वाले हिस्से से नीचे वाले कट तक इसे ऐसे रखना है, ठीक है। और रखने के बाद दोस्तों, आप इसे चौक की मदद से निशान लगा लें। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपके दो निशान लग जाएंगे। अब ये निशान लगने के बाद आपको क्या करना है, तो चलिए मशीन की तरफ मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमने अपनी बाइबिन में जो है ब्लैक कलर का धागा भरा है, इसे हम नीचे लगाएंगे। और एक धागा हमारा ये है, देखिए, एक धागा हमारा यहाँ पे, एक धागा हमारा यहाँ, इसे हम डबल करेंगे। और उसके बाद दोस्तों, आप देखिए, यहाँ से बिल्कुल डबल धागा डालेंगे, जैसे अपना सिंगल धागा डालते हैं ऐसे डबल धागे को डालेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर डबल धागा डाल लिया है। अब आपको क्या करना है, ये जो निशान है, इस निशान पर आप इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और नीचे तक बिल्कुल इसी निशान पर सीधा ख़त्म करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपका बिल्कुल डबल धागा करने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि हमारी ये एंकर की सिलाई लगी है। आप चाहे तो इसको सिलाई को छोटी भी कर सकते हैं और चाहे तो बड़ी भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। और देखिए, नीचे भी हमारी बिल्कुल ओके सिलाई चल रही है। इसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, तकरीबन इसमें आप इंची टेप की मदद भी ले सकते हैं, आपको जितनी भी चौड़ी मतलब चाहिए होगी सिलाई, ठीक है, आप उतने हिसाब से सिलाई लगा लें। तो देखिए, हम यहाँ पर इंची टेप के बराबर के रखेंगे
और यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे निशान लगाने के बाद बिल्कुल सीधा आप इंची टेप ऐसे रखें, और इंची टेप ऐसे रखने के बाद दोस्तों इस तरीके से आप निशान लगा लें। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा थोड़ा डार्क कलर के लग गया, ठीक है, क्योंकि मशीन पर दिखा रहा हूँ। ये आप आराम से हल्के हाथ से बारीक चौक करके लगा सकते हैं, फिर इसके ऊपर आप इस तरीके से सिलाई लगा लें। तो दोस्तों आप देखेंगे ये हमारी इंची टेप के बराबर की दोस्तों इस तरीके से सिलाई लग चुकी है। इसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर और यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा लेंगे इतनी चौड़ी। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने ये सिलाई लगाई है, वैसे हमने ये जो निशान लगाया था एक, इससे भी आप बिल्कुल सेम सिलाई लगा लेंगे जैसे हमने ये वाली लगाई है। तो चलिए इस पर भी सिलाई लगा लेते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ये वाली लगाई है सब। तो देखिए दोस्तों, पहले तो हमने ये सिलाई लगा ली है और इक्वल देखिए बॉक्स बन के आ रहे हैं ये आपके इस तरीके से नज़र। अब आपको क्या करना है, ये जितने भी आपके धागे हैं आप इसे इस तरीके से करके आप इसे कटिंग कर लें। तो देखिए दोस्तों, ये आपका इस तरीके से बन चुका है, और अब इसे हम क्या करेंगे, इसे आप इस तरीके से मिला लें बिल्कुल, और मिलाने का दोस्तों यहाँ पे एक नाखून लगा लें। ठीक है, ये आपका यहाँ पे सेंटर हिस्सा हो गया, और हल्का सा चौक की मदद से निशान भी लगा सकते हैं आप, हल्का लगाएं, ज़्यादा डार्क नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपका सेंटर हो गया, यहाँ पे आप कट लगा लें नीचे और ऊपर। ठीक है, और ये आपका ब्रॉड का हो गया कट, ये आपका ब्रॉड का कट होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए आपका इस तरीके से आपका ये बन चुका है। अब इसे हम हटा देते हैं और हम लेते हैं अपना फ्रंट के जो नीचे वाला हिस्सा है उसको। तो देखिए दोस्तों, ये हमने पाइपिंग बना ली है, डोरी वाली पाइपिंग इस तरीके से तैयार कर ली है, लेकिन अभी ये कच्ची है। और अगर आप ये बनाना सीखना चाहते हैं तो आई लिंक पे क्लिक करके आप ये बनाना सीख सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने बिल्कुल फिक्स कर रखी है, लेकिन इसमें आपको कच्चा छोड़ना होगा। और ये देखिए दोस्तों, सिंगल बूट की जगह हम डबल बूट का यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंगल बूट से भी आप बना सकते हैं, तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। अब ये देखिए दोस्तों, ये आपको मैं इस तरीके से सीधा कर रहा हूँ, और ये निशान जो लगाया आपका सीधी तरफ लगाया है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आप इसे इस तरीके से ओपन करेंगे और अपनी सीधी तरफ से, ये आपकी सीधी तरफ है, सीधी तरफ से आपको एक पैर का मार्जिन लेना है। कितना लेना है, एक पैर का मार्जिन, और एक पैर के मार्जिन के हिसाब से आप इसे ऐसे रखेंगे पाइपिंग को, और इस पर सिलाई लगाएंगे, और एक पैर के मार्जिन के हिसाब से आप इसे पूरा एक बराबर मिलाते हुए सिलाई लगाते चले जाएँ, जिससे कि आपकी पाइपिंग बैठ जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे इस तरीके से यहाँ पे लग चुकी है, और आप देखेंगे हमने एक पैर के मार्जिन से पूरा ये सिलाई लगाई, जो कि आपको ब्लैक कलर के धागे में नज़र आएगी। फिर आपको क्या करना है, आप इसे ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, कपड़ा अंदर की तरफ करके, फिर एक सिलाई और लगाएंगे उसी पे ही, और कपड़े को पकड़ते हुए पूरे को इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे, पाइपिंग वाले हिस्से को इसी तरीके से करते हुए पूरे पे सिलाई लगा लें। तो दोस्तों जब सिलाई लग जाएगी, फिर आप इसे ऐसे करें और फालतू कपड़े को कटिंग कर लें। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी पाइपिंग लग चुकी है। अब आप इसे ऐसे करके ऐसे ऐसे हल्का हल्का नाखून लगा लें पूरी पाइपिंग पे। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपने इस तरीके से जो है नाखून लगा लिए, तो ये आपकी पाइपिंग बैठ जाएगी। फिर आप अपने सेंटर में से इसे देखिए इस तरीके से पहले मिला लें और अपना सेंटर ले लें। तो ये देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे लाने के बाद एक निशान लगाना है सेंटर में, और निशान लगाने के बाद आप इसे इस तरीके से ओपन करें, और ओपन करने के बाद दोस्तों एक एक इंच की गैपिंग पे, ये देखिए आपको एक एक इंच की गैपिंग पे निशान लगा लेने हैं इस तरीके से। तो चलिए इसको यहाँ से और इसको यहाँ से एक एक इंच की गैपिंग पे निशान लगा लेते हैं, और इन निशानों को हम गिनेंगे और उतने ही पोटली बटन बनाएंगे। तो दोस्तों उसके बाद देखिए, हमने अपना गला कटिंग करा है बोट नेक, इसमें हम बनाएंगे। तो आप इस गले को पलट लें जैसे कि हम अपने हर गले को पलटते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने अपना बोट नेक गला पूरा अच्छी तरह पलट लिया है। पलटने का दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो आपने यहाँ पे सिलाइयाँ लगाई थी, यहाँ पे देखिए हमने सेंटर की भी बना रखा है। तो आपको क्या करना है, सेंटर से सेंटर को इस तरीके से मिला के सिलाई लगा लें, जिससे कि आपका अच्छी तरह फिनिशिंग में जम जाएगा। उसके बाद दोस्तों इस पूरे गले को आप पलट लें जैसे कि आप अपने हर गले को पलटते हैं।
तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप अपने पूरे गले को पलट लेंगे। पलटने के बाद अब आपको क्या करना है, पहले आप सिंगल वुड डाल लें, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, उसके बाद हम अपना ये लेंगे और देखिए हमने एक एक इंच भी निशान लगाए हैं, ठीक है, उतने ही हमने पोटली बटन बनाए हैं। तो देखिए ये हमारे पोटली बटन, तो इसे हम लगाएंगे। उसके लिए हमने देखिए सिंगल वुड डाला है, क्योंकि सिंगल वुड से बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ ये लग जाते हैं। तो चलिए इसे हम लगाते हैं। और अगर आप ये पोटली बटन बनाना सीखना चाहते हैं तो आई रिंग पे क्लिक करके आप ये बनाना सीख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना होगा, आप सबसे पहले इस पर यहाँ पर सिलाई चलाएँगे और जो निशान जहाँ पर आएगा आपको पोटली बटन इस तरीके से रखना है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में रखने के बाद आप इस पर सिलाई लगा लें इस तरीके से दोस्तों। आपको लगाने हैं और निशान पे जैसे ही निशान आए आपको सिंपल पोटली बटन ऐसे रखना है और इस पर सिलाई लगा लेना है। इसी तरीके से दोस्तों आप जितने भी आपके निशान हैं इस पर पोटली बटन फंसाते जाएं और इस पर सिलाई लगाते जाएं। तो देखिए दोस्तों, ये हमने इस तरीके से बटन लगा लिए हैं। अब आपको क्या करना है, आप अपना ये वाला हिस्सा लेंगे जिस पर हमने सिलाई चलाई थी और इस पर देखिए तकरीबन आपको आधा इंच का मार्जिन लेना है, ठीक है। आधे इंच के मार्जिन से आप इसको इस तरीके से जमाते चले जाएंगे इसके ऊपर रख के। तो ये देखिए हम पहले सेंटर से सेंटर मिला लेते हैं, क्योंकि हमारा सेंटर ये है। आप यहाँ से इसको इस तरीके से रख के, ठीक है, आप इसे मिला लें और इस पर दोस्तों एक बराबर करने के बाद आप इस पर सिलाई लगाते हुए इसे जमाने लगेंगे। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल ओके कटा था, इसलिए हमारा ये बिल्कुल ओके बैठ रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर इसे करने के बाद इस पर सिलाई लगाएंगे। देखिए सिंगल वुड की मदद से इस पर सिलाई लगेगी। तो आप इसे ऐसे करके आधे इंच के मार्जिन से इसको ऐसे लेते जाएं और इस पर सिलाई लगा लें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने जमा लिया है। अब आपको क्या करना है, नीचे देखिए हमारा ये जो हमने ओवरलॉक कर लिया था इस पैटर्न पे, वो ओवरलॉक करने का दोस्तों अब एक सिलाई और लगाएंगे जिससे आपकी पाइपिंग वाली पट्टी और पोटली बटन मजबूत हो जाए अच्छी तरीके से। तो चलिए इसके ऊपर अब डबल बूट करने के बाद आप सिलाई लगा लें एक पैर की। तो दोस्तों देखिए, हमने यहाँ एक पैर की सिलाई लगा ली है। उसके बाद आप इसे ऐसे करें और जितना भी फालतू ये आपको दिखेगा यहाँ पर आप इसे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हल्के हल्के जो दिख रहे हैं आप इसे कटिंग कर लें जिससे कि फिनिशिंग आ जाएगी आपके पीस में। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप डोरी वाली पाइपिंग लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ डिज़ाइन हमारा कैसा लगेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये बोट नेक में हमने आपको बताया है इस तरीके से एंकर की सिलाई लगा के और ये पोटली बटन आप लगाएंगे तो ये आपका डिज़ाइन इस तरीके से दिखेगा। और साथ ही दोस्तों आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, जो हमने ये इसमें पौना इंच एक्स्ट्रा लिया था वो कहाँ कहाँ गया। तो ये देखिए हमारा एक पैर का जो मार्जिन इसमें गया है, ठीक है, और आधा इंच का मार्जिन हमारा इस उसमें गया है पैटर्न के अंदर। तो ये टोटल आपका पौना इंच हो गया। तो इस तरीके से जो आपका एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग करा था वो इसमें एडजस्ट हो जाएगा। आपको ये गला कैसे लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।